वेलकम बैक इन दिस चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास पायथन से रिलेटेड ये हमारा फिफ्थ ट्यूटोरियल है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पायथन को हम कैसे पेंट कर सकते हैं अपने बी एस ट्यूटोरियल में। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे, या जहाँ पे मेरी पीपीटी ओपन है एक्चुअली, ठीक है, जहाँ से देखेंगे पायथन नंबर्स मेथड। पायथन नंबर्स मेथड क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं और जी हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, सब हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में हमारा एक चैनल का लिंक डाला हुआ है रिकॉर्डिंग, तो सिंपली आप उसे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पायथन नंबर्स मेथड। एक्चुअली पायथन नंबर्स मेथड क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमें आपको बताना चाहूंगा। जो पायथन नंबर्स को मैंने यहाँ पे 4 डिवाइड में किया है, कन्वर्ट किया हुआ, जहाँ पे सब देखेंगे राउंडिंग इन नंबर। राउंडिंग इन नंबर क्या होता है, सिंपली हम राउंडिंग इन नंबर में देखेंगे कि राउंडिंग नंबर जो होता है हमारे, ये 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि नंबर एंड डिजिट्स। तो नंबर क्या होता है, एन नंबर टू राउंडेड ऑफ, ठीक है, और एन डिजिट क्या होता है, एन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब ये कैसे यूज करेंगे, सिंपली हम इसको हम बीएस कोड में जाकर अपना देखेंगे अभी। कि सबसे पहले हम बात की पायथन नंबर सिस्टम में, जो पहला स्टेप होता है हमारा राउंडिंग ए नंबर, उसको जो राउंडिंग ए नंबर से 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपने देखा नंबर्स एंड एंड डिजिट्स। नंबर क्या होते हैं कि राउंडेड को ऑफ कर देता है, एंड इसके अलावा फिर हमने देखा एंड डिजिट। एंड डिजिट क्या होता है कि ये एन नंबर डेसिमल ऑफ प्लेसेस जो कि हमें एन डिजिट ऑफ डेसिमल की डिटेक्ट कराता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बीएस कोड में चलेंगे और वहां पर हम देखेंगे कि मैं यहाँ पे बी एस कोड में आ चुका हूँ और यहाँ पे पहले से मेरा एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से बैक करूंगा और इसको आउटपुट जो है मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए क्या करना है कि मैं जहाँ से आप कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पाई की वैल्यू या किसी और टेस्ट डेटा टाइप्स के वो वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा। सबसे पहले कि यार 3.456 जो भी वैल्यू होती है, सिंपली मैं यहाँ पे मैं 3.1415 और 92, बस मैं इतनी ही वैल्यू पाई की रख लेता हूँ। फिर उसके बाद देखेंगे हम कैसे ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि मैं क्या कहता हूँ, ये जो हमारा नंबर है एक्चुअली है क्या, पाई नंबर है, तो दिस इज अ पाई नंबर, ठीक है। या फिर आप इसको जानते हैं कि पाई की वैल्यू एक्चुअली ये होती है, ठीक है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्या करना है मेरे को, यहाँ पे मैं एक चीज लिखता हूँ कि 2 डेसिमल, और मैं यहाँ पे 2 डेसिमल कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने 2 डेसिमल नाम का एक वेरिएबल ले लिया और उसमें जो वैल्यूज है मैं इसको राउंडेड करना चाहता हूँ पहले स्टेप से, जिसमें हम नंबर देखने वाले थे, ठीक है। जिसमें हम मैंने 1 मिनट में आपको दोबारा से शो कर देता हूँ, जिसमें हम नंबर्स की देखने, सबसे पहले हम नंबर्स की बात करने वाले हैं, यहाँ पे राउंडेड करने वाले थे हम इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ चुके हैं और एक्चुअली करने के वाले राउंडेड, ठीक है। मैंने वो सॉरी राउंडेड लेफ्ट राउंड, ठीक है, अभी मेरे लिए राउंड वुड आ गया। और उसके लिए हम यहाँ पे एक टैंक करेंगे और मैं यहाँ पे जो पाई की वैल्यू मैंने सिंपली यहाँ पे एक्सपेंड किया है, सिंपली यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है मैंने डाल किया। पाई की वैल्यू को जो है एक्चुअली मैं 2 में एक्सपेंड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। एक्चुअली मैं यहाँ 2 क्यों लिखा वो भी सिंपली मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ और जहाँ पे 2 लिखा होगा इसके लिए मैं यहाँ पे 3 करूंगा, ठीक है। अभी मैंने इसको यहाँ पे 3 किया और राउंड की जगह एक्चुअली मैं राउंड ही रह देता हूँ, बस यहाँ पे 2 डेसिमल्स की जगह, क्योंकि मैंने 3 डेसिमल्स लिए हैं एक्चुअली यहाँ पे THE, ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 डेसिमल्स ले लिए। अभी करना है मेरे को यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करनी है। सबसे पहले जो वैल्यू एक्चुअली ये है, ठीक है, मैं फर्स्ट डिजिट कंट्रोल सी एक्चुअली मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको यहाँ से प्रिंट करने लगूंगा। पहले तो मैं यहाँ से प्रिंट नाम ऑफ फंक्शन लगाऊंगा एक्चुअली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी किया एक्चुअली 200, ओ सॉरी यहाँ से पूरा ही कॉपी हो चुका था एक्चुअली, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से बैक कर लेता हूँ और मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगा इतना, ठीक है। कंट्रोल सी ये करना है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा और कंट्रोल बी मेरे को यहाँ पे करना है, और एक बार सिंपली मैं इसको यहाँ से और डेंट कर लूंगा। और उसके बाद सिंपली 2 2 की जगह मैं एक्चुअली यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, ठीक है, THE, जो कि मैंने अपने वेरिएबल्स का लिया हुआ है THE, ठीक है। अभी क्या फाइल को मैं सेव करता हूँ और फिर मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको रन किया, अभी के लिए आउटपुट तो नहीं दिया लेकिन अभी दे देगा। देख सकते हैं यहाँ पे 3.14 या 3.143 एक्चुअली यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से क्या होगा कि जो 2 डेसिमल में 2 पे लगाया एक्चुअली, तब यहाँ पे 2 पे आके गया। देख सकते हैं 3.14, बाकी यहाँ पे 1592 यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली, जो कि पाई की वैल्यूज में देख सिंपली उसने कोई कंपेक्ट नहीं किया, बट यहाँ पे देख सकते हैं पाई की इक्वल मैंने 2 किया तो यहाँ पे 2 पे इसको ऑफ कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो 3 डेसिमल्स है मैं इसको ऑफ करना चाहता हूँ किस पे, 3 डेसिमल्स पे। तो मैं 3 डेसिमल के, अब क्या करना है कि जो 3 डेसिमल इसका वेरिएबल से मैं 4 ले लेता हूँ और मैं एक्चुअली यहाँ पे भी 4 कर देता हूँ, ठीक है, FOU हुआ, ठीक है। मैंने इसको 4 डेसिमल किया और इसको मैं यहाँ 5th पे डाल देता हूँ, ठीक है, इसको मैं 5 कर देता हूँ। और एक बार मैं इसको यहाँ से शिफ्ट करूंगा और इसको भी मैं यहाँ से 4 कर दूंगा, ठीक है, FOU हुआ। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, उसके बाद सिंपली फाइल को सेव किया और मैं यहाँ से फिर से
फिर इस पर डालोगे देख सकते 3.145 1 2 3 4 5 यानी कि 1 2 3 4 5 तक हमारी वैल्यू प्रिंट हो चुकी, क्योंकि जो 5 की बार रिटर्न वैल्यू आई थी एक्चुअली मैंने यहाँ पे 5 तक लगाई हुई है। इसी मेरे ख्याल से पे राउंड डेट एंड नंबर, जैसा कि आपने देखा नंबर एंड डिजिट्स में क्या फर्क होता है और कैसे वर्क करता है, तो सिंपली आपने यहाँ पे प्रैक्टिकली देख लिया। अब सिंपली हम बात करने वाले सेकंड स्टेप की, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है राइजिंग ए नंबर टू ए पावर। आपने कभी कभी देखा होगा कि जो वैल्यूज पावर्स के पास होती हैं वो सिंपली वर्क कैसे करती हैं और इसके पावर्स जो है एक्चुअली वो ट्रेंड कैसे करते हैं। सबसे पहले भी जो पावर्स है एक्चुअली वो हमारे टू टाइप्स के मैंने दिए हुए हैं, वो सिंपली हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं राइजिंग ए नंबर और टू अ पावर। सबसे पहले हम बेस, बेस का मतलब क्या होता है ये तो आप सिंपली जान चुके हैं मैथमेटिक्स फॉर्म में, और एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट बोलते हैं हम जैसे, वो क्या होता है सिंपली हम इसी वीडियो में देखेंगे उसको भी। तो सबसे पहले करने के वाले हैं एक्चुअली, ठीक है, हमने बेस ले लिया, एक्सपोनेंट लिया। अब मैं यहाँ पे दो पावर्स वैल्यू ले लूंगा, जैसे कि अपने बीएस कोर में चलने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्चुअली एक्स पावर दो पावर्स लेना चाहता हूँ, मैं सिंपली इसको मैं यहाँ से पेंट कर दूंगा। चलो मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए तो मैं यहाँ पे एक्स के लिए कोई वैल्यू ले लेता हूँ एक्चुअली। ठीक है, मैं लूंगा पावर। ठीक है, मैंने यहाँ पे पावर लिया। अभी मैं यहाँ पे मान लीजिए एक की पावर मेरी पहले की वैल्यू वेरिएबल है उसकी वैल्यू एक्चुअली मानी टू है, मान ली सेकंड वाले की हमारी यहाँ पे 3 है। अभी क्या करना है मेरे को, यहाँ पे 3 ले लिया और उसके बाद सिंपली बाई इक्वल, अब क्या करना है पावर, मैंने यहाँ पे पावर लिया एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे पावर ले लिया और उसके बाद सिंपली क्या करना है मेरे को, यहाँ पे 3 और मैं सेकंड वाले लेना चाहता हूँ 4, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 4 लिया और सिंपली इसे वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट PRINT। अभी करना है कि जो वैल्यू पहले मैंने एक्स लिया हुआ है एक्चुअली मैंने एक्स ले लिया यहाँ पे, उसके बाद सिंपली बाई के लिए करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली बाई को ले लिया मैंने, और उसके बाद सिंपली फाइल को मैं ऐसे यहाँ पे सेव करूंगा और करना क्या है एक्चुअली। ठीक है, मैं यहाँ से रन पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं रन करके देख सकते हैं 8 आया और इसके अलावा 81 आया, जैसे कि आप देख सकते हैं 3 दूनी 6 होता है, बट यहाँ पे पावर एक्चुअली क्या हो गया कि 2 को मैंने 3 बार डिपेंड किया, इसे ये वर्क कैसे करता है एक्चुअली में। ठीक है, ये भी कमेंट लाइन होता है ये वर्क कैसे करेगा, तो मैं पहले मैं एक कमेंट लाइन ले लेता हूँ। सबसे पहले क्या करेगा कि 2, अगर मैं यहाँ पे 2 पावर्स है इसकी एक्चुअली, ठीक है, मैं यहाँ पे 2 पावर्स है, फिर उसके बाद सिंपली 2 में डिविडेड करेगा 2 को। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं एक्चुअली क्या है ये 2 और स्पेंड पे 2 और इक्वल जो हमारा जो वैल्यू जाती है एक्चुअली वो आएगी कितनी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे 8, क्योंकि 2 3 4 और 4 इंटू 8। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसी प्रकार से ये भी पर करेगा, इसी प्रकार 2 सॉरी यहाँ पे 3 है, 3 को हमें 4 बार प्रिंट करेगा, यानी कि 3 3 एंड 3 एंड 3 एंड 3, अभी क्या हुआ 4 3 3 इक्वल 81, जैसे कि आप लोग कैलकुलेटर कर भी देख सकते हैं एक्चुअली यहाँ पे। तो इस प्रकार से पावर से जो है वर्क करती है यहाँ पे जैसे पाइथन लैंग्वेजेस में, तो आप वही समझ गए होंगे कि यहाँ पे पावर से जो होती है वो कैसे वर्क करती है। सिंपली हम थर्ड वेरिएबल पर चलते हैं अपने यहाँ पे और उस पर सिंपली देखेंगे गेटिंग एब्सोल्यूट वैल्यू। गेटिंग एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, ये किस प्रकार की होती है, गेटिंग एब्सोल्यूट वैल्यू को मैंने 2 डिवाइडेड में किया कन्वर्ट किया हुआ है, तो सिंपली आप उसके भी देख सकते हैं। जैसे कि एबीएस, हम सबसे पहले वर्क करने वाले हैं एबीएस पर यहाँ पे। ठीक है, एबीएस, तो यहाँ पे द एबीएस फंक्शन रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ए नंबर, यहाँ पे जो क्या होता है एबीएस द रिटर्न्स वैल्यू को एब्सोल्यूट कराता है किसके लिए, नंबर्स के लिए। ठीक है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, सबसे पहले बात करनी बात है कि एब्सोल्यूट वैल्यू एक्चुअली होती क्या है, तो एब्सोल्यूट जो वैल्यूज होती है एक्चुअली, ठीक है, हम उसको एबीएस को एब्सोल्यूट वैल्यू ही बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो मैथमेटिक्स फॉर्म में होती है और ये नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ नंबर्स को लेती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको करने के वाले हैं कि मैं एक्चुअली यहाँ पे बीएस कोड में जाऊंगा और फिर से मैं इसको प्रैक्टिकली देखने वाला हूँ कि यह वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करता हूँ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ क्लिक किया और सिंपली मैंने इसको पूरा ही रिटर्न कर दिया, उसके बाद सिंपली मैं इसको भी यहाँ पे आउटपुट्स को उठा दूंगा और जो एबीएस की वैल्यू एक्चुअली। ठीक है, सबसे पहले मैं कहने वाला हूँ कि मैं ए नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मैंने ए नाम का कोई वेरिएबल ले लिया और सिंपली हमें करना क्या है एबीएस तो हमें एक्चुअली यहाँ पे करना है जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद सिंपली क्या करना है कि माइनस के 4 या फिर मैं पॉजिटिव भी 4 ले सकता हूँ, बट मैंने यहाँ पे -4 ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एबीएस सॉरी यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू नहीं ले सकते, जैसा कि मैंने आपको पीवीटी बताया था, देख सकते हैं व्हाट इज द एब्सोल्यूट इन मैथमेटिक्स द एब्सोल्यूट वैल्यू इज द नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ ए नंबर, यहाँ पे नॉन नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं जज, ये आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, अभी के लिए क्या करना है मेरे को यहाँ पे आना है और सॉरी ठीक है बीएस कोड में, तो जो भी जो वैल्यूज एक्चुअली हमको यहाँ पे सारी की सारी जो भी वैल्यूज है हमें नेगेटिव फॉर्म में ही लेनी, चाहे वो फ्लोटिंग टाइप हो या इंटीजर टाइप या कॉम्प्लेक्स टाइप। ठीक है,
तो मैं क्या करूंगा, माइनस के 4 ले लूंगा या फिर और भी कोई वैल्यू ले लूंगा। तो मैं फ्लोटिंग टाइप ही वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे फ्लोट टाइप वैल्यू ले लिया। उसके बाद सिंपली क्या करने वाले हैं कि मैं इस वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद सिंपली मैंने एक को, सॉरी एक्चुअली मैंने यहाँ पे प्रिंट कराना था एक को, मैंने यहाँ पे एक को प्रिंट करा दिया। उसके बाद सिंपली मैं इसको यहाँ पे दो बार सेव कर लूंगा। जैसे कि मैंने बी नाम का वेरियबल्स लिया हुआ है तो मैं यहाँ पे बी नाम का वेरियबल्स डालूंगा। और उसके बाद सिंपली हमें करना क्या है, मैं आउटपुट पे क्लिक करूंगा। एक्चुअली यहाँ पे देख सकते 4.3.4 यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है, जैसा कि मैंने आपको कहा या कहा था पीपीटी में कि हम यहाँ पे अगर नेगेटिव को वैल्यू को लेते हैं तो वो नॉन नेगेटिव में कन्वर्ट करके दे देता है हमें, जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है। और सिंपली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लास्ट टॉपिक, यहाँ पे हम बात करने वाले थे गेटिंग क्वाटेंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। हम यहाँ पे क्वाटेंट एंड रिमाइंडर, ठीक है, हम इसी पे एक बार करने वाले हैं। तो यहाँ पे करने के वाले हैं हमारे ट्रू फ्रेंड्स, एक्चुअली यहाँ पे आज का गेटिंग क्वाटेंट एंड रिमाइंडर जो वैल्यू होती है एक होती है, जैसे हम बोलते हैं डिम मोड, ठीक है। डिम मोड करता क्या है कि डिम मोड फंक्शन टेक्स्ट टू नंबर्स एंड रिटर्न्स अ पेयर ऑफ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ दियर क्वांटिटी नंबर। इसमें होता क्या है कि यहाँ पे दो वैल्यूज होती हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए डिम मोड में मैंने कोई भी वैल्यू एक्चुअली, ठीक है, मान लीजिए एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली ही बताता हूँ, ठीक है। अभी क्या करना है कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने एक्स एक्स नाम का या ए नाम का मैंने कोई भी वेरिएबल्स ले लिया, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली करना क्या है कि मेरे को यहाँ पे डिम मोड पे एक वेरिएबल्स लगा लिया मैंने, एक्चुअली यहाँ पे एक, सॉरी, ठीक है, मैंने यहाँ पे डिम मोड लगाया। अब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डालना चाहता हूँ, टू वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको पीपीटी में बताया था, पीपीटी में, इसलिए मैं यहाँ पीपीटी में दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे देख सकते हैं टू नंबर्स एंड रिटर्न्स अ पेयर ऑफ नंबर्स, ठीक है, जो वैल्यू हमें रिटर्न कराएगा उसकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली मैं टू वैल्यूज ले ली है, जिसमें हमको वैल्यू को एक वैल्यू को प्रिंट करना, जैसे हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट एक्स लिखूंगा जैसे ही, तो हमें सिंपली एक वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा देगा। वो वैल्यू कौन सी प्रिंट कराएगा वो हम सिंपली इसमें देखा। अभी के लिए मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ से रिसेप्ट प्रिंट किया, तो सिंपली देख सकते 2 1 यहाँ पे दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ पे प्रिंट आउटपुट हमें दे दिया। एक्चुअली इस प्रकार से हम किसी भी प्रिंट को यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 5 2 लिखा हुआ है और इसने हमारे 2 के बाद कोई भी वैल्यू को हमें इसने बंद दे दिया, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो ठीक है। अभी क्या करना है कि मैं यहाँ पे एक बार वैल्यू को भी चेंज करके देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे, सॉरी, 1 लिख देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर फाइल को सेव करूंगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 5 0 दे दिया है। 5 0 के बाद एक्चुअली मैं करने के वाला हूँ कि यहाँ पे जो 5 0, अगर मैं इसको 5 5 करूँ तो आउटपुट क्या होगा, वो सिंपली हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देख सकते हैं 1 0, क्योंकि जो 5 5 1 1 और 1 2 0, तो जो 5 से 5 डिपेंड हो जाएगा उसकी वजह से वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 10 करूँ 5 की जगह, ठीक है, एक्चुअली मैं 5 की जगह 10 करना चाहता हूँ, तो कुछ 0 बनाएगा, देख सकते आप, देख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है कि अभी मेरे पास यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, एक्चुअली शायद नहीं, हमारे पास कोई भी टॉपिक नहीं बचा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।